बार फिर देखिए, बोला था फ्रेंड फॉलोइंग बहुत तगड़ी, कैलाश भाई एक बार फिर मिल चुके। तो जेटा पहुंच चुके हम राव जी के घर। नमस्ते। और आज ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी चंद पे काफ़ी टाइम पहले कटिंग हो चुकी थी कंप्लीट, लेकिन हाल ही में एक दो महीने पहले ये वाली कटिंग जो हो रखी है गतोड़ा त्रिपुरा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। मैं हूं विजय नेगी और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग आज फिर करते हैं अपने स्टूडियो से। फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं एक नए शूट के लिए। सबसे पहले क्या मुंडन का, और मुंडन के बाद एक शादी है यहीं प्रयागराज में, उसके बाद रात का जो शूट होगा वो मेहंदी शूट होगा गांव में। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, तमाम ब्लॉग देखने को मिलेंगे आज, तमाम शूट देखने को मिलेंगे आज आपको मज़ेदार वाले, गांव से लेकर मार्केट से लेकर मुंडन बच्चे का क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। तो बने रहिए आप ब्लॉग में, ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं मुंडन शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको फ्रेंड पैक की चहल पहल, और लास्ट में ले चलेंगे आपको गाँव की तरफ। और फिलहाल ये भुला लेके आ रखा है चाय। नमस्कार, अब तू भी आ जाएगा ब्लॉग में, ठीक है? ठीक है। तो फिलहाल जिस लोकेशन पे मुंडन होना है सुभाष नगर अपना अपने पुराने मोहल्ले में, मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं और कुछ इस प्रकार का व्यू यहां से दिखता है। चारों तरफ शादी बरातों का मौसम चल रहा है आजकल, और यहां चल रहा है नीचे मुंडन। हाय गाइस, हाय गाइस, बस हाय गाइस बस, और कुछ नहीं। तो गाइस फिलहाल एक शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है और दिन का लंच हमारा हो चुका है, और अब फाइनली शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अब निकलने की तैयारी हमारे दूसरे शूट पे। बाकी तोपाल जी ये लोग लगे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद मैं और तोपाल जी अभी तक एक शूट पे एक साथ एक जगह नहीं गई, क्योंकि इस बार अप्रैल में बुकिंग का बॉदरेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है, बुकिंग इतनी ज़्यादा हो रखी है कि हौस बहुत हो रखा है पूरा। तो ले चलते हैं आपको एक मोटो ब्लॉग के साथ एक नए लोकेशन। यस जी, फिलहाल हम कर्णप्याग से निकल चुके हैं, कर्णप्याग में भी एक शूट चल रहा हमारा, वहाँ तोपाल जी जे जी और एपी पुंडी लगे हैं, और एक शूट हमारा चलेगा आज जे जी के गांव साइड। तो वो शूट करने के लिए मैं और मनोज निकल चुके हैं अभी फिलहाल कर्णप्याग से। और एक बार फिर देखिए, बोला था फ्रेंड फॉलोइंग बहुत तगड़ी, कैलाश भाई एक बार फिर मिल चुके हैं। चले तो पैसे किस चीज़ के लाओ फिर पैसे। भाई साहब मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम में भी हो रखा है बहुत ही ज़्यादा कीड़ा हो रखा है। कुछ मतलब एक घंटे पहले हल्का फुल्का बूंदी बांदी जरूर हुई थी, लेकिन अभी मौसम ने ज़रूर साथ दे रखा है। तो फिलहाल शिमली के इस प्यारे सी लोकेशन पर मैं पहुंच चुका हूं, चंडिका माँ का गेट बिल्कुल देख सकते हो आप, और पिछले ब्लॉग में चंडी माँ का अंदर का ब्लॉग भी बनाया था मैंने, और ये वाला लोकेशन सबसे सुपर डुपर लोकेशन है शिमली का। शिमली मेन मार्केट क्रॉस करने के बाद यहाँ से दो हाईवे हो जाता है, ये गैरसैंण हाईवे जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, और जिस हाईवे पे हम चलेंगे अब ये रहा नेशनल हाईवे ग्वालदम थराली कर्णप्याग वाला। से गर्मी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में अभी भी ठंड का एहसास ज़रूर हो रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का बूंदा बांदी हुई तो मतलब पूर्ण रूप से ये मान के चल लेके जैसे अभी बाइक में चल रहे हम तो पूर्ण रूप से ठंडा हो रहा है। और ये रहा भैरवनाथ जी का मंदिर, जय हो भैरवनाथ स्वामी जी। थराली हाईवे छोड़ के हम यहां से एक ब्रांच रोड पकड़ लेंगे, ये रोड जाएगी आपकी कोटी जेटा मटियाला घतोड़ा साइड को। तो आज हमारी लोकेशन होने वाली है घतोड़ा।
अभी से हम कोटी जेटा के लिए निकल चुके हैं और यहाँ चल रहा है लगातार रोड का डबल कटिंग का काम, देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ नंदा देवी का जो मंदिर है वहाँ नंदा देवी रात जात जो होती है उसका पाँचवा या चौथा पड़ाव है, तो इस वजह से वहाँ ये डबल कटिंग चल रही है अभी फिलहाल। प्यारे से सुहाने से सफ़र में सीरी बैंड हम पहुंच चुके हैं, एक रोड जाती है सीरी के सिरपा के लिए और ये वाली जाएगी लास्ट कोटी जाटा के लिए, पहुंच चुके हैं और काफ़ी शूट हमने मटियाला गांव में भी कर रखे हैं इससे पहले और हाल ही में 2-3 महीने पहले एक शूट किया था। हम जेटा में पहुंच चुके हैं और दूर सामने दिखाई दे रहा है त्रिकूट गाँव, तो पहले यहाँ से पैदल जाना पड़ता था 2-3 किलोमीटर। सर जी प्रणाम, ठीक हाँ आ रहे हो, हम मथे बैठी हाँ पैदल। तो जेटा पहुंच चुके हैं हम राव जी के घर। नमस्ते, और राव जी ठीक ठाक स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया। और ये है इन गाड़ियों के मालिक, देख सकते हो आप क्या कतार लगी है भवन के आगे। भाई यार आपकी फ्रंट स्क्रीन पे रहा जेटा गांव नीचे और यहां से पहले पैदल जाना पड़ता था त्रिकूट गांव घतौड़ा के लिए, पूरी रोड कट चुकी है और आज उस रोड का शिलान्यास करने जाएंगे हम। सबसे पहले रिबन काटेंगे कोटी में और उसके बाद चलेंगे आगे। क्यों नंदा देवी की प्रांगण भूमि में हम कर चुके हैं प्रवेश, शेरा बिल्कुल ऊपर पे माँ नंदा देवी का मंदिर। दो हाईवे हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब तीसरा जो असली हाईवे है जो घतौड़ा के लिए बिल्कुल नई रोड कटी है, इस रोड पर हम ट्रेवल करने वाले हैं। तो रोड का हाल जो हो रखा है वो तगड़ा हो रखा है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया रोड बन जाएगी, सुविधा हो जाएगी इधर वालों को। पहले लोकेशन पे काफ़ी टाइम पहले कटिंग हो चुकी थी कंप्लीट, लेकिन हाल ही में 1-2 महीने पहले ये वाली कटिंग जो हो रखी है घतौड़ा त्रिकूट गांव के लिए, तो ये अभी हाल ही में 10-15 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने पहले हो रखी है, तो बढ़िया कटिंग हो रखी है फिलहाल बाइक के पर्पज से, ठीक है अभी रोड सही हो रखी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ज़रूर दिक्कत हो रखी है, इस वजह से मुझे लग रहा है कि गाड़ी आगे नहीं जा पा रही है, बस एक ही वाला है थोड़ा दिक्कत करने वाला, बाकी तो सारी रोड ओके है और आगे हो रखी है जेसीबी। देखिए जी गांव में अगर सड़क आती है तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे गांव में सड़क पहुंची तो यहां सबसे पहले टावर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि टावर के यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो टावर का काम भी यहाँ लगातार जारी है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं घतौड़ा गांव के बिल्कुल जस्ट नीचे, और ये सुकून मिलता है गांव में रोड आके सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है वहां से पैदल आना था हमने, लेकिन गांव में रोड पहुंच चुके हैं बिल्कुल गांव के नीचे। तो फाइनली घतौड़ा गांव में हम एक बहुत बड़ी खुशी के साथ पहुंच चुके हैं, जो कि ये खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतना पैदल आना था, तो आज हम यहां पूरे अपने बाइक से आ रखे हैं बिल्कुल एंड तक, और यहां से थोड़ा नीचे जाना हमें दूसरे गांव में, और जो दूसरा शूट होगा हमारा इस गाँव में जी। इस गांव में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ये है कि आज शाम को पहुँचे हम पूर्ण रूप से, लगभग अंधेरा होने वाला है और कल इसी टाइम पे हम फ्री हो जाएंगे। कई जगह क्या हो रहा है कि महिला संगीत दिन में हो जा रहा है, अगले दिन हो जा रहा है, मंगल स्नान अगले दिन हो जा रहा है, तो उससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है सिस्टम, जबकि आजकल वनडे बारात है तो पूरा एक ही दिन में निपट सकता है बड़े प्यार से। सत्य साई